अजामिल का प्रसंग भागवत पुराण में उल्लेख किया गया है। आइए सुनाते हैं हम आपको एक छोटी सी कहानी। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। इस कथा के अनुसार अजामिल का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह वेदों और शास्त्रों का जानकार हो गया था। वह अपने गुरु और माता पिता का आदर करता था और सत्य में निष्ठा रखता था। एक दिन अपने पिता के आदेश अनुसार वह वन में फल और फूल लेने गया हुआ था। तभी उसने वहाँ एक गड़िका अर्थात वैश्या को एक युवक के साथ संबंध बनाते हुए देखा। ये दृश्य देखकर वह काम भावना से पीड़ित हो उठा और उसका मन उस वैश्या में ही लगा रहा। अंततः उसने अपनी जवान पत्नी का त्याग कर उस गणिका को अपना लिया। उससे उसे 10 पुत्र हुए। एक संत के कहने पर उसने अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। उसे अपना 10वां पुत्र बहुत प्रिय था। जब वह 88 वर्ष का हुआ तब यमदूत उसे लेने के लिए पहुंचे। उसने अपने प्रिय पुत्र को बाहर देखा और आवाज लगाई, नारायण नारायण। भगवान का नाम लेते ही श्री विष्णु के पार्षद वहां आ गए और उन्होंने यमदूतों से उसकी रक्षा कर ली और इससे अजामिल को अपने अंतिम पुत्र को बड़ा होते हुए देखने की अभिलाषा को बल मिला। तो इस कहानी का यही सार है कि जिसमें भक्ति भाव है और जो अपने अंतिम क्षणों में भगवान का नाम लेता है उसके जीवन की कोई भी अभिलाषा इस पृथ्वी पर शेष नहीं रह जाती। तो दर्शकों आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि आस्तिक और नास्तिक में क्या अंतर होता है। आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।